हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अगेन एक सनस्क्रीन। जी हाँ, समर डेज आ चुके हैं एंड सनस्क्रीन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो मैं बहुत सारी कोशिश करूंगी आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट न्यू लॉन्चेस और नए नए सनस्क्रीन लेकर के आऊं, जैसे कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से जो सी सनस्क्रीन आपको सूट करती है उसको आप अपने लिए बाय कर सकें और इस गर्मियों में अपनी त्वचा को बचा सकें इस सूरज की रोशनी से। तो जी हाँ, बिल्कुल से बने रहिएगा, वीडियो में हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है मदर्स पर्श की हाइड्रा सनस्क्रीन विद SPF 50 PA++++। जी हाँ, ट्रिपल प्लस मिल जाता है इसमें आपको, राइस वाटर एंड सेरामाइड, यहाँ पर आपको डिटेल्स देख जाएंगी। एंड ऑल्सो मैं मदर स्पर्श की एक न्यूली लॉन्च्ड जो सनस्क्रीन है इनविजिबल सनस्क्रीन, उसको मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे चेकआउट फॉर ऑल दोज जो अपने स्किन पर बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करना चाहते हैं बट एवरीडे लाइफ में अपने लिए मेकअप करना बेहद पसंद करते हैं, तो वो सनस्क्रीन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर नहीं देखा है उसको तो जाकर चेकआउट जरूर करिएगा, काफी अच्छी है वो भी। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ये प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं क्या है इसके क्लेम्स, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो यस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड ऑल्सो जरा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ तरीके से क्यूट सी कलरफुल सी पैकेजिंग में मिल जाता है, काफी ज्यादा कलरफुल सी अच्छी सी समरी काइंड ऑफ पैकिंग है इसकी एंड यस काफी अच्छी लगती है, गुड वाइब्स आती है इसको देख करके, अच्छा सा फील आता है, नहीं आपको ऐसा लगता है बिल्कुल बीच वाला लुक लगता है जैसे। एंड बाय द वे ये है ऑल वेदर सनस्क्रीन, ये आपको SPF 50 PA++++ के साथ में मिल जाएगी। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो 50 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको रिसीव हो जाती है एट द MRP ऑफ ₹499 एंड इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप कहीं पर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो यस, एंड अगर इंग्रीडियंट बोलूं तो मैं ये है इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट जिसको आप रीड कर सकते हैं। आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा है, राइट, ओके। एंड बाकी डिटेल्स आपको इस तरीके से यहाँ पर कार्डबोर्ड पर मिल जाएंगी एंड यहाँ पर आपको रेस्ट ऑफ द डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपको UVA UVB रेस से प्रोटेक्ट करेगा हर तरीके से। इसकी पैकेजिंग की अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर से जो है काफी स्लीक सी, देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगी, जो इसकी बॉटल है वो काफी ज्यादा स्लीक सी है। एज वी ऑल नो, सनस्क्रीन हमें हर 4 से 5 घंटे में रीअप्लाई करना ही करना पड़ता है। सो यस, इतनी स्लीक सी पैकेजिंग आपको मिल जाती है तो इसको आप अपने हैंडबैग में बड़ी ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। देखिए आप कितनी छोटू सी है, प्यारी सी है, आराम से आपके हैंडबैग में आप इसे कैरी कर सकते हैं एंड जब भी आप चाहते हैं इसे आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर इसके बारे में तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस पैकेजिंग के ऊपर मिल जाएगी, आप ये देख लीजिए, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायरी वगैरह भी मिल जाएगी एंड यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाएंगी। सो नो नीड टू कैरी द कार्डबोर्ड, आपको वो कार्डबोर्ड को रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से थ्रो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पंप पैकेजिंग मिल जाती है विच इज वेरी गुड एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ये देखिए बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं करता है, इजिली सिंक इन हो जाने वाला है एंड ये टोटली व्हाइट सा भी है भी नहीं, मतलब जैसे बाकी सनस्क्रीन ना बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट सी दिखती हैं, दैट्स वाई वो आपकी स्किन पर जो है व्हाइट व्हाइट सी नजर आने लग जाती है। बाय द वे आपको ये डेमो में दिख जाएगा तो आप देख लीजिएगा, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। दिस इज द टेक्स्चर एंड आप देख सकते हो कितनी ही आसानी से ये आराम से लग जाएगी, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है एंड इजिली ये आपकी स्किन में सिंक इन हो जाती है, मर्ज इन हो जाती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगी, देखिए विद इन सेकेंड्स कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चल रहा है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बढ़िया है, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है बट यस ऑसम फ्रेग्रेंस है, अच्छी लगती है, बिल्कुल भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपको बॉदर करे या आपको डिस्कम्फर्ट हो, ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। एंड देखिए आपके सामने ही मैंने इसको अप्लाई किया था एंड विद इन सेकेंड्स ये गायब भी हो गई स्किन में, कहाँ चली गई पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ सनस्क्रीन जैसा लगाया भी है। एंड ये काफी ज्यादा स्मूथनिंग इफेक्ट दे रही है, काफी ज्यादा अच्छा सा फील आ रहा है इसको लगाने के, मतलब ये मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ये ऐसा सा नहीं लग रहा है कि कोई सनस्क्रीन लगाई है, ये ऐसा से फील आ रहा है जैसे कि हमने कोई एक मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज एंड स्मूथ सी लग रही है, दैट्स इट। तो ये इस तरीके की है कुछ, आप देख लीजिए एंड यस, तो ऑल इन ऑल मैं अगर बोलूँ तो आपको बिल्कुल से इसको ट्राई आउट कर लेना चाहिए है इस समर सीजन में क्योंकि मुझे ये बेहद पसंद आई है।
काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, तो ये ऑल वेदर आपको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में गर्मियाँ बढ़ेंगी, फिर बारिश आएगी, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा अजीब सा वेदर होने लगता है, जिस टाइम पे आप अपने स्किन पर कुछ भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अपने स्किन पर बेयर स्किन रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, जस्ट बिकॉज कुछ भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो स्किन पर तो आपको बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा सा लगने लगता है, हैवी सा लगने लगता है, अनकम्फर्टेबल सा लगता है। सो यस, उस टाइम के लिए आप इस तरीके के प्रोडक्ट को बिल्कुल से ट्राई आउट कर सकते हैं, जो कि हद से ज़्यादा लाइट वेटेड है, आपकी स्किन में कहां सिंक इन हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलने वाला है। तो ये प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाले हैं उस टाइम पर, तो इसको बिल्कुल से चेकआउट जरूर करिएगा। ऑल्सो जो इसका दूसरा वाला वेरिएंट है वो भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसको भी आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको पसंद आए डेफिनेटली आप उसके साथ में जा सकते हैं। मुझे तो दोनों ही वेरिएंट पसंद आए हैं, एंड अभी जैसे जैसे समर डेज बढ़ेंगे मैं इन्हीं दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो मिला जुला सा कुछ मौसम है, तो अभी हम थोड़ी सी हैवी जो है क्रीम्स वगैरह लगा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे इन सारे प्रोडक्ट्स को हमें एक साइड करना पड़ जाएगा, हमें कुछ इस तरीके के लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा, सो दैट हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयलीनेस ना हो, बहुत ज्यादा हैवीनेस ना फील हो, बहुत ज्यादा चिपचिपा सा ना लगे, एंड येट हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। सो यस, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल से ट्राई आउट करिए। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, जरा सा भी पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, प्रोडक्ट समझ में आया है, इसका रिव्यू पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिकमेंड कर दीजिएगा इस चैनल को। सो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, गुड बाय।